गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न जीके सब्जेक्ट। चलो, जीके में हमारा 12th सब्जेक्ट है टाइप ऑफ हाउस, यानी हाउसेस, यानी कि अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं, तो उसके बारे हम सीखेंगे। चलो, ये है बिल्डिंग्स। क्या है बिल्डिंग्स? देखो, है यानी कि एक बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स यानी कि बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, है ना। देखो, ये आप सब ने देखा ही होगा ऐसे बिल्डिंग्स और फ्लैट्स, हाई राइज भी होती है, लो राइज भी होते हैं, है ना। चलो, ये है बिल्डिंग्स। अभी हम देखेंगे, ये है बंगलो। क्या है बंगलो? देखो, ये कितना बड़ा हाउस है ना, ये है बंगलोस। फिर यहाँ पे है रो हाउस, यानी कि सेम हाउस होते हैं। देखो सबके, ये है ना, सेम हाउस होते हैं, उसको बोलते हैं, और एक ही रो में सब होते हैं, तो उसको बोलते हैं रो हाउस। क्या बोलते हैं? रो हाउस। फिर यहाँ पे है फार्म हाउस। फार्म हाउस यानी कि देखो, उसके आगे फार्म जैसा है ना, गार्डन है। फिर यहाँ पे है घर है, और देखो यहाँ पे पेड़ पौधे कितना है ना, तो इसको बोलते हैं फार्म हाउस, यानी कि उसके आगे क्या होता है? फार्म होता है, और एक हाउस होता है, तो उसको हम बोलेंगे फार्म हाउस। फिर यहाँ पे है टेंट। आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा इस टाइप के बहुत सारे टेंट होते हैं, है ना। और ये तो मूवेबल है, यानी कि ये हम कहीं भी अपना ये टेंट बना सकते हैं। फिर ये है इग्लू। जो बर्फ़ वाली जगह पे रहते हैं ना, वो ऐसे हाउस बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। चलो, इसको बोलते हैं इग्लू। अभी ये है कॉटेज। देखो, ये पूरे लकड़ी का बना होता है, उसको बोलते हैं कॉटेज हाउस। फिर ये है हट। ये तो आप सबको पता ही होगा, गांव में आपने देखा होगा कहीं जगह पे ऐसे टाइप के हाउस होते हैं। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप के हाउस। क्या है? डिफरेंट टाइप के हाउस। यहाँ ये है बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, ये बंगलो है, ये रो हाउस है, ये फार्म हाउस है, ये टेंट है, ये इग्लू है, ये कॉटेज है, और ये हट है। चलो, टर्न योर पेज चिल्ड्रन। 13th चैप्टर है हमारा नेचर। नेचर के बारे में हम आज देखेंगे। सन, वो भी नेचर है ना, वो हमने खुद से नहीं बनाया है, वो तो हमने किसने हमने दिया है? गॉड ने, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें किससे पास से मिली है? गॉड के पास से, है ना। यस, तो ये हमको, इसको हम बोलेंगे गॉड गिफ्ट। क्या बोलेंगे? गॉड गिफ्ट। सन है, फिर मून है, स्टार्स है ना, फिर रिवर है, सी है, देखो यहाँ पे दरिया है ना, आप दरिया किनारे जाते हो ना घूमने के लिए, फिर जंगल है, फिर रेनबो बारिश के बाद दिखता है, पता है, रेनबो है, फिर वाटरफॉल है, फिर पॉन्ड है, स्काई, फिर ये है लेक है, और माउंटेन। क्या है? माउंटेन। ये सब क्या है? नेचर, यानी कि भगवान ने जो हमें अच्छी चीज़ें दी है उसको हम नेचर बोलेंगे। और चलो, अभी हम उसका कन्वर्जेशन देखेंगे। वेयर डज द सन राइज? सन कहाँ पे उगता है? तो सन राइज इन ईस्ट। ईस्ट में सन राइज होता है, यानी कि उगता है। वेयर डज द सन सेट? द सन सेट इन वेस्ट। कहाँ पे उसका सन सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में। ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। When does the moon shine? Moon shine कब करता है? Morning में या night में? तो night में। The moon shine at night. चलो, fourth question है हमारा। What do the stars do? Star क्या करते हैं? The stars twinkle in the sky. Stars देखो, ऐसे shining होते हैं ना star, तो ये हमारी rhyme से पता है, twinkle twinkle little star, है ना। तो स्टार क्या करते हैं? शाइन करते हैं। When इज़ द सन hottest? सन कब बहुत गर्म कब होता है? द सन hottest एट नून। वो दोपहर को आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो नून में। What इज द शेप ऑफ सन? सन का शेप कौन सा है? राउंड। कौन सा है? राउंड। द शेप ऑफ द सन इज राउंड। चलो, अभी एक्सरसाइज हम देखेंगे।
टेक द पिक्चर ऑफ स्काई। इसमें से स्काई कहाँ है, ये जंगल है, ये माउंटेन है, ये है ना स्काई, तो यहाँ पे हमें करना है टिक। चलो अभी नीचे टिक द पिक्चर ऑफ इग्लू। इग्लू कहाँ पे है, ये तो बिल्डिंग्स है तो इसमें नहीं आएगा, ये इग्लू है यस, तो यहाँ पे हम करेंगे टिक। चलो अभी नीचे टिक द पिक्चर ऑफ बंगलोस। बंगलो कहाँ पे है, ये रहा है ना फर्स्ट वाला है, ये है बंगलो। ओके तो आज हमने क्या सीखा चिल्ड्रन, नेचर, नेचर के बारे में हमने सीखा और बिल्डिंग्स के बारे में यानी कि अलग अलग टाइप के हाउस के बारे में सीखा। आपको अच्छे से लर्न करना है और ये एक्सरसाइज करनी है। ओके थैंक यू चिल्ड्रन।